Hello friends, and welcome back to Chicky's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about preparation is the key. आज हम लोग बात करेंगे preparation is the key की और preparation कैसे एक key की तरह एक major and crucial role play करती है आप लोगों के किसी भी competitive exam के लिए. आज हम लोग अपनी इस video में ये discuss करेंगे. तो friends, जो प्रिपरेशन है वो एक ऐसी की है जिससे आप लोग किसी भी सक्सेस का या किसी भी एक तरह से जो आप लोगों का एम होता है उस एम का आप लोग लॉक अनलॉक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रिपरेशन. और प्रिपरेशन वो की है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, कि जिस की के थ्रू आप लोग किसी भी सक्सेस के लॉक को अनलॉक कर सकते हैं. तो आप लोग कैसे प्रिपरेशन से किसी भी सक्सेस के लॉक को अनलॉक कर सकते हैं ये हम आज अपनी इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है. इस वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपनी लाइफ के जो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैं शेयर करूंगा, ठीक है. तो फ्रेंड्स, आप लोग जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे आप लोग प्रिपरेशन करते हैं. प्रिपरेशन आप लोगों को कैसे करनी है, किस वे में करनी है, आप लोगों को प्रिपरेशन जो है कॉन्टिन्यूटी के साथ में करनी है. कभी भी डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में कोई भी प्रिपरेशन मत करें, किसी भी एग्जाम के लिए मत करें, क्योंकि अगर आप लोग डिसकॉन्टिन्यूटी के साथ में किसी भी प्रिपरेशन को करते हैं तो वहां पे आप लोगों के जो सक्सेस होने के चांसेस होते हैं वो जीरो होते हैं. तो आप लोग कभी भी डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में कभी भी किसी भी प्रिपरेशन को मत करें, हमेशा कॉन्टिन्यू वे में प्रिपरेशन को करें. क्योंकि क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि आज उन्होंने 10 घंटे पढ़ाई की, 10 आवर आज उन्होंने पढ़ाई की, नेक्स्ट टाइम उन्होंने फिर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद फिर से उन्होंने 10 आवर उन्होंने स्टडी की. तो ये एक बैड थिंकिंग होती है. आप लोग 2 आवर रोज स्टडी करें बट कॉन्टिन्यू वे में करें. आज आप लोगों ने 2 आवर स्टडी की, कल भी 2 आवर स्टडी करें, परसों भी 2 आवर स्टडी करें, तो रोज कंटिन्यू वे में आप लोग स्टडी करें. ऐसा मत करें कि आज 10 आवर आप लोगों ने स्टडी की, फिर 2 दिन का आप लोगों ने गैप लिया, फिर आप लोगों ने प्रिपरेशन की. तो ये बैड थिंकिंग होती है. इससे आप लोग कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे अपने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में. आप लोग इस डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर के साथ में आप लोग कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे. तो हमेशा कॉन्टिन्यू वे में आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, कॉन्टिन्यू वे में आप लोगों को स्टडी करनी है. तो प्रिपरेशन जो है आप लोगों की तब तक खत्म नहीं होती, तब तक उसका एंड नहीं होता जब तक आप लोग उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ना दे लें या उस एग्जाम को आप लोग वहां पे परफॉर्म ना कर लें. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि ये सोचते हैं कि मेरी प्रिपरेशन अब खत्म हो गई है या मेरी प्रिपरेशन जो है उसका एंड हो गया है. जब तक आप लोगों का वो पर्टिकुलर एग्जाम नहीं होता तब तक आप लोगों की प्रिपरेशन का एंड नहीं होता. तो प्रिपरेशन तभी खत्म होती है जब आप लोग उस एग्जाम को वहां पे क्रैक कर जाते हैं, उस एग्जाम में अच्छा कर जाते हैं. प्रिपरेशन जैसे आप लोग क्या करते हैं कि प्रिपरेशन आप लोग पहले थ्योरी आप लोग लर्न करते हैं, थ्योरी आप लोग रीड करते हैं या किसी बुक में आप लोग थ्योरी रीड करते हैं. थ्योरी रीड करने के बाद आप लोग सोचते हैं कि बस हो गया, ठीक है, मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई. ये आप लोगों की मिस्टेक है. उस कोई भी बुक आप लोग लर्न करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर करें, ठीक है, वहां पे उस बुक को लर्न करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी ओवरऑल आप लोगों के सब टॉपिक्स हैं या वहाँ पे जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट और कुछ टॉपिक्स हैं उन सभी की स्टडी करें, यानी कंप्लीट प्रिपरेशन करें. कंप्लीट प्रिपरेशन का मतलब कि कुछ भी स्किप मत करें. वहाँ पे आप लोग MCQ क्वेश्चंस की देन प्रैक्टिस करें. थ्योरी पढ़ने के बाद MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें. आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल हैं. आप लोग MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. और थ्योरी तो आप लोगों को पढ़नी होती है, वो तो कंपलसरी आप लोगों के लिए होती है. तो प्रिपरेशन इसी का नाम है, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी भी एग्जाम के लिए जितने हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे हम लोगों को सभी सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, कुछ भी स्किप नहीं करना होता है. और जो हमारे इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको तो हम लोगों को जरूर वहां पे पढ़ना होता है और हमेशा ही उनको अपने माइंड में रिमेम्बर रखना होता है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन.
कभी भी अनकम्प्लीट प्रिपरेशन आप लोगों को सक्सेस नहीं दिला सकती, कभी भी आप लोगों का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा अगर आप लोग अनकम्प्लीट प्रिपरेशन करते हैं। तो ये एक आप लोगों के लिए बैड फैक्टर होता है, एक डीमेरिट होती है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को इसको अच्छे से समझना होता है। और कभी भी इन सभी फैक्टर्स के साथ में जो आप लोगों के बैड फैक्टर हैं या नेगेटिव फैक्टर हैं, कभी भी डील मत करें। आप लोगों को टाइम ज़्यादा लगेगा किसी भी एक पर्टिकुलर कम्प्लीट प्रिपरेशन को करने के लिए, बट आप लोग अगर उस प्रिपरेशन को करेंगे तो वहां पर आप लोगों के जो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। तो कंप्लीट प्रिपरेशन करें, पूरे डेडिकेशन के साथ में प्रिपरेशन करें, और जो आप लोग पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में या जो आप लोग अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग सक्सेस होना चाहते हैं, उस सक्सेस का सिर्फ एक ही यहाँ पे एक ही की है कि आप लोग उसको कॉन्टिन्यूस मैनर में करें। और प्रिपरेशन इज द की, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सक्सेस का कोई भी लॉक आप लोगों की अगर प्रिपरेशन कंप्लीट है उसको अनलॉक आप लोग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रिपरेशन की। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग वो सभी इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। और मैंने भी कई बार इन सभी जो हमारे बैड एक तरह से फैक्टर्स होते हैं या जो हमारे नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं, मैंने भी इनके साथ में डील किया है और मुझे भी इनके नेगेटिव रिजल्ट्स मिले हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि कभी भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें, किसी भी टॉपिक को हम लोग लर्न करें, उसको पूरे डेडिकेशन के साथ करें और अपनी प्रिपरेशन को हम लोग कंप्लीट वे में करें, उसको कभी भी इनकम्प्लीट वे में मत करें, उसको कभी भी डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में न करें, उसको कॉन्टिन्यूअस मैनर में करें। भले ही हम लोग कम पढ़ें पर ऐसा पढ़ें कि हमसे अगर वहां से कोई क्वेश्चन पूछे तो हम लोग उसको वहां पे फर्दर डिफेंड कर सकें या हम लोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो कोई भी अगर आप लोग वर्क करें, कोई भी आप लोग सब्जेक्ट आप लोग लर्न करें या रीड करें, तो उसको आप लोग कंप्लीट वे में करें और उसकी पूरी प्रिपरेशन करें, उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करें, अनकंप्लीट प्रिपरेशन मत करें, क्योंकि इसके जो रिजल्ट होंगे, अनकंप्लीट प्रिपरेशन के जो रिजल्ट्स होंगे वो आप लोगों के लिए नेगेटिव होंगे, वो कभी भी आप लोगों को सक्सेस वहां पे नहीं दिला सकते। तो कंटिन्यू वे में प्रिपरेशन करें, कभी भी डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में प्रिपरेशन मत करें। और क्योंकि अगर आज आपने 10 आवर आप लोगों ने स्टडी की है और आप लोग कल को आप लोगों ने रेस्ट ले लिया या आप लोगों ने स्टडी नहीं की और आप लोगों ने उससे अगले दिन भी स्टडी नहीं की, फिर देन आपने बुक उठाई, फिर आप लोगों ने प्रिपरेशन की, फिर आप लोगों ने 10 आवर वहां पे स्टडी की, ठीक है, तो ये जो मैनर है ये बहुत ही गंदा मैनर है, ठीक है। आप लोगों का जो माइंड होता है ना, उसकी एक इफिशंसी होती है कि आज अगर आप लोगों ने 2 आवर स्टडी की, आप लोगों ने 2 आवर कल स्टडी की, फिर देन आप लोगों ने 2 आवर स्टडी की, तो आप लोगों ने 6 आवर स्टडी कर ली 3 डेज में। तो ये आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा इस चीज का आप लोगों को। बट अगर आप लोग एक ही टाइम में 10 आवर आप लोग स्टडी करते हैं और फिर 2-3 दिन का आप लोग गैप लेते हैं फिर स्टडी करते हैं, तो ये एक बैड थिंकिंग है, बैड मैनर है स्टडी का, ठीक है, इससे आप लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगी। तो कंटिन्यूटी बना के रखें, डेडिकेशन के साथ में प्रिपरेशन करें, जो भी पढ़ें उसको पूरे 100% अपने एफर्ट्स के साथ में पढ़ें, इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं, तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।